अब ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप जो ऑनलाइन मूवीज या सीरीज दिखाते हैं इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लाया जाएगा, इनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जा रही है। वेट अ मिनट, अब इससे पहले कि तुम गुस्सा होकर अपने मन ही मन में गाली देने लग जाओ कि ये क्या बकवास है, अब ऐसी चीजों के ऊपर लगाम लगाई जाएगी, इससे पहले अपने दिमाग में ऐसी कुछ बातें लाने से पहले कुछ चीजों को सुन लो ताकि तुम कोई कमेंट करने लायक हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि ये कोई नई चीज नहीं है हमारे देश में कि किसी चीज को रेगुलेट करना। ऑलरेडी हमारे जो देश में है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बहुत सारी जो है वो रेगुलेटिंग बॉडीज हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं उनमें क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी हमारे देश में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो रेगुलेट करती है इन समाचार पत्रों को, इनके अंदर क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए वगैरह वगैरह। और जो टीवी के ऊपर जो न्यूज आती है उनको भी कंट्रोल यानी उनको भी रेगुलेट करने के लिए NBA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। टीवी के ऊपर कौन सी न्यूज दिखानी चाहिए कौन सी, जिसे मतलब कि संवेदनशील, ये बहुत सारी चीजें जो है वो इनको रेगुलेट किया जाता है। और तो और हमारे फेवरेट प्यारे सेंसर बोर्ड को कौन नहीं जानता जो मूवीज के ऊपर मतलब प्रतिबंध लगाते हैं या उनमें से कोई सीन जो होते हैं उसको काटने में सारा का सारा काम सेंसर बोर्ड द्वारा किया जाता है, ये तो हम भली बात ही जानते हैं। तो अब जो OTT प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम वीडियो हो गया, ओल्ड बालाजी हो गया, हॉटस्टार हो गया, डिज्नी प्लस हो गया, सोनी लीव हो गया और बाकी जो भी OTT प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके ऊपर मूवीज या सीरीज दिखाई जाती है ऑनलाइन, उनको अब अंडर लाने की बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत। अब देखो यार इसके दो तर्क हैं, ऑब्वियसली कोई चीज आती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ लोगों को अच्छी चीज लगती है कुछ लोगों को ये बुरी लगती है। तो सबसे पहले जो चीज बुरी है वो बात कर लेते हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि लोगों की यानी इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उसको कर्टेल किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है या फिर कहेंगे उसको कम किया जा रहा है। अब देखो यार फ्रीडम ऑफ स्पीच या कह लो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन सब चीजों के ऊपर अगर बात करने बैठे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। हमारे देश में जहां पर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पर लोग इस चीज का फायदा उठाकर किसी के फेथ के ऊपर वो अटैक करते हैं, उसके बारे में वो चीजें गलत दिखाते हैं, इवन देश के बारे में देश के लोगों को भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ वो बोल देते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेकर बहुत सारी चीजें गलत दिखाई जाती हैं। कोई काम गलत किया है किसी फेथ को हट किया है किसी कम्युनिटी को हट किया है या फिर देश का ही अपमान किया है तो इवन उसको इस तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, ये देखो यार बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो अब इसका जो फायदा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि आज की डेट में जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी मूवी या सीरीज आती है उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉयलेंस होता है, बहुत ज्यादा अडल्ट सीन होते हैं, बहुत ज्यादा गालियां होती हैं। ऐसी रेयर मूवीज या ऐसी सीरीज की बात करूं तो वो तो रेयर आउट ऑफ रेयर सीरीज होती है जिनको हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। और तो और अब मूवीज या सीरीज ऐसी आने लगी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कोई कहानी तो होती नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गालियां और सेक्स के भरोसे लोगों को दे परोसी जाती हैं ताकि वो लोग इसको कंज्यूम कर सके। अब देखो यार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इन चीजों से बहुत कुछ गलत सीख जाते हैं और वो जो बड़े होते हैं तो बहुत से गलत रास्ते पे वो चल सकते हैं। तुम बोला यार नहीं नहीं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर तुम चाहो तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। पर्सनली मैं ये चीज कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बट अगर तुम प्रैक्टिकल करना चाहो तो कोई वॉयलेंस वाली चीज, मैं इससे भी खराब चीज बता सकता हूं लेकिन वॉयलेंस वाली चीज दिखा के देख लो। नहीं वॉयलेंस छोड़ो यार, तुम बिग बॉस ही दिखा लो, एक बच्चे को तुम बिग बॉस दिखाओ और एक बच्चे को तुम रामायण दिखाओ, उन दोनों को कुछ टाइम बाद जब तुम देखोगे तो उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, उनके व्यवहार में उनमें बात करने के ढंग में बहुत तुम्हें फर्क मिलेगा। अब मैंने कहा मैं पर्सनली इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, मैं तुम लोगों को ये कहूं जाकर तुम छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करो, मतलब कि अगर किसी जहर से अगर तुम मौत होती है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि उसको चक्कर ही पता लगाया जाए कि उससे मौत होती है या नहीं। अब बहुत सारी चीजें जो है वो इससे सुधर भी सकती हैं और कुछ लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं। इवन नाराज होने वाले इस बात पे नाराज होंगे क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, पैसा इसलिए नहीं कमा पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई स्टोरी तो होती नहीं थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो सेक्स दिखाकर या फिर गालियां सुनाकर लोगों को जो वो एंटरटेन करने की कोशिश किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने मिर्जापुर पूरी सीरीज देख रखी, उसके दोनों सीजन देख रखे, तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था उसके हिट होने का, इवन उसका हिट होने का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही तो था ना कि उसके अंदर जो डायलॉग थे और डायलॉग भी किसमें जो गालियां होती थी उस डायलॉग में, यही मेन कारण था कि वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हिट हुई थी। वो चचा वाला जो उसका जो डायलॉग था वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था। अब सपोज करो अगर उन डायलॉग में से अगर आप गाली निकाल दो तो क्या होगा, मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई भी इंसान उस सीरीज को फिर पसंद करेगा। और सच में
में जो OTT प्लेटफॉर्म है उनको एक रेगुलेटिंग बॉडी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तक उनके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके ऊपर कोई नियंत्रण हो, आपको कहे कि आप जो मर्जी या चाहे कर लो, तो आप क्या करोगे? इवन बैंक लूटने चले जाओगे या फिर जो मर्जी आपके दिल में आएगा वो करोगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई नियंत्रण, मतलब आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, आप फ्री हो। ऐसे ही अगर OTT प्लेटफॉर्म की जो मूवीज या सीरीज है उनके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, तो सोचो वो क्या दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। यार इवन अब तक दिखाते आ रहे थे कितनी सारी सीरीज या फिर मूवीज बनी है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो टारगेट करते हैं, कम्युनिटी को वो टारगेट करते हैं, देश की जनता को वो कुछ गलत संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, एक मास अफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, उनकी सोच में परिवर्तन आता है, वो अपने कल्चर से अपने फेथ से हटने लगते हैं। ये रियलिटी है यार। अब आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि आपके क्या विचार थे, आपके इसके सपोर्ट में है या फिर आप इसके विरोध में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से खत्म हो जाएगा। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।